ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ओए किसका फोन आ गया इस टाइम पे, तो काम भी नहीं करने देते हैं अब्बा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अब्बा जी। अब्बा जी कैसे याद किया जी? मैं ठीक ठाक फिट फाटा। बहू एक मिनट अब्बा जी, होल्ड करें अब्बा जी, अब्बा जी होल्ड करें। अबा जी बहू तो बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। हाँ आपको तो पता है मॉडर्न लड़की है, काम पे गई हुई है इस टाइम पे। अरे आपके बेटे के तो मजे, काम ही नहीं करने देती मुझे, कहती बस तुम घर पे रहो आयाशी करो बस तुम। हाँ अरे अबा जी कहाँ इस उम्र में आप इतना लंबा सफर करेंगे, थक जाएंगे छोटे, निकल पड़े घर से। अब्बा जी बात सुन, अब्बा जी बात तो, अब्बा जी हेलो हेलो मैडम। आ जाओ। बाकी सब कहाँ है? मैं अकेले ही हूँ, अकेले ही काफी हूँ मैं। अच्छा बताओ क्या बात है? वो मैडम आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो असल में मेरे अब्बा जी है ना। अल्लाह में उनकी मगफिरत फरमाए जानी। जिंदा है? अच्छा सॉरी। असल में ना मेरे अब्बा जी है ना वो। ओह माय गॉड जानी उनका एक्सीडेंट हो गया। आप तो यतीम कराने पे तुली भी है मुझे। सॉरी 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 अब मैं नहीं बोलूंगी, अब तुम बोलो। असल में मेरे ना अब्बा जी यहाँ आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे वालिद का अच्छे से ख्याल रखना और इस घर को अपना घर समझना। हाँ जब ही तो मैं हिम्मत करके आपके पास आया हूँ। लेकिन क्यों? असल में मैंने अब्बा जी से कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। असल में वो मेरी शादी किसी अनपढ़ लड़की से कराना चाह रहे थे तो। अच्छा तो? तो बस मैंने कह दिया कि मैंने शहर में शादी कर ली एक बहुत ही पढ़ी लिखी और खानदानी लड़की से। तो इसमें क्या मसला है जानी, हम किसी भी अच्छी लड़की को देखेंगे और उन्हें दिखा देंगे कि तुम्हारी बीवी है। वो तो ठीक है लेकिन जल्दी जल्दी में उसे गलती हो गई, मैंने ना गलती से आपकी तस्वीर उनको पोस्ट कर दी, अब अब्बा जी आपको ना मेरी बीवी समझते हैं। अच्छा अच्छा मैडम कुछ करे ना दे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जानी। मैडम अब तो गलती हो गई, बताए अब मैं क्या करूं? बच्चू कभी भी नहीं मानेगा, वो एक गैरतमंद शौहर है। नहीं वो तो मुझे पता है गैरतमंद तो है, लेकिन देखिए अब आप ही इस मुश्किल से मुझको निजात दिला सकती है, आखिर आपने मेरा नमक खाया हुआ है, मेरा मतलब है मेरे हाथों का खाना खाया है। करूं जानी अब मैं? आप जब तक सोचे मैं आपके लिए अच्छा सा मजे का खाना बना के लाता हूं। जानी क्या बात है, तुम्हारे मुंह में छाले निकले हुए क्या? नहीं तो? तो भला इशारों से बातें क्यों कर रहे हो, कुछ बोलो भला। अरे बाबा जानी क्या मसला है बताओ। वो सीमा मैडम को ना आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा कहना सीमा मैडम को है और बता तुम रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि उसने कुछ कहना है मुझसे? अरे बच्चू भाई आप तवज्जो दें इनकी बात। बच्चू का बॉय, वो ना मुझे ये कहना था कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं जाने की बीवी बन जाऊं। हाँ बाबा बन जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अदा क्या हो गया आपको? अरे बाबा बीवी वो भी जाने की। अरे सीमा मेरे में क्या कमी है बाबा? कैलकुलेटर मंगाना पड़ेगा, गिनती में तो टाइम लगेगा। नहीं नहीं बच्चों वो बात नहीं है, मैं समझाती हूँ।
वो ना इसने अपने अब्बू को मेरी तस्वीर दिखा दी है और बोला कि मैंने शादी कर ली है। अब कल वो आ रहे हैं, इसे झूठ बोल दिया है बस इसीलिए। नहीं बाबा नहीं, नहीं नहीं नहीं, झूठ झूठ होता है बाबा, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता हूँ बाबा। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना बच्चों, ये तो हम जाने की मदद करने के लिए कर रहे हैं। अरे बाबा वो तो सही है, लेकिन मैं इसके वालिद साईं को धोखा नहीं दे सकता। बच्चों समझने की कोशिश करो, ये हमारा खानदानी नौकर है, इसका भी तो कोई हक बनता है। अरे बाबा हक मेरे पैसों पे जताए ना, मेरी बीवी पे हक जता रहा है इसकी। मैं क्या हो गया बच्चू, एक दिन की तो बात है बस। अच्छा अरे बाबा लगता है मेरे दोस्त आ गए, मैं आता हूँ। को समझाने से बेहतर है कि बंदा भैंस के आगे बींग बजा ले। मैडम कुछ करें, अब्बा तो किसी टाइम भी आ जाएंगे। अरे बाबा मुझे तो ये काम सोच कर भी शर्म आती है और वो मुझसे ये काम करवा रहे हैं। अरे यार मैं कह रहा हूँ, वैसे भी तेरा पुराना नौकर है और एक दिन की तो बात है। हाँ बाबा बात तो एक दिन की है, लेकिन मसला ये है कि मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकता। अबे यार इसमें झूठ क्या है, तू इसको एक्टिंग समझ के कर ले। एक्टिंग? वैसे भी तुझे एक्टिंग का तो शौक है ना। हाँ बाबा एक्टिंग का शौक तो मुझे बचपन से है। हाँ तो बात खत्म, फिर एक्टिंग में भी तो साफ फर्जी होता है, तू समझ ले कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ बाबा बात तो समझ में आ रही है। अरे तू समझने को छोड़, तू बस करेक्टर में घुस जा। अच्छा बाबा तो फिर मैं कबूल कर लूँ। अरे कबूल तो तेरा नौकर करेगा, कबूल है कबूल है। अरे यार मजाक नहीं करो बाबा, मैं वैसे बहुत नर्वस आ गया हूँ। अरे यार तू नर्वस ना हो, वैसे भी अब सितारे इम्तियाज और तुझ में एक परफॉर्मेंस की तो फासले है। वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह, घर पे पुत्र ने चंगा ही बनाया भाई। वाह वाह माशाल्लाह। अब पुत्र है बड़ी जान बनाई है माशाल्लाह। ये क्या पुत्र, ना निक्के रहे ना पुत्र, ना आज टांगों में आ गए तू। अब जी वो शहर है ना, फैशन है यहाँ पे ये। अच्छा ये बता पुत्र हाल कैसे तेरा। अब जी आपकी दुआएं चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बहू का है, बहू बहू है, चौकीदार नहीं थोड़ी जो गेट पे बैठी होगी। अंदर है, आए नहीं, एक मिनट इधर, मेरे ख्याल से इधर पहले फैसला कर ले जा रहा है। अदा तुम खुद तो नौकर बन गए, साथ में मेरे को भी नौकरानी बना दिया। अरे तू मेरी बहन है ना दी, इसलिए तुझे नौकरानी का रोल मिला है। क्यों भला, वैसे ये हीरोइन वाला रोल जो ना मैं भी कर सकती थी, जो तुम्हारी बेगम को मिल गया है। वो मसला ये है कि जाने ने अपने अब्बा जी को कहा है कि उसकी बीवी खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी। क्या मतलब? आइए 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 अब्बा जी, आइए 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 आइए। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पुत्र घर पे बड़ा सोना बनाया तूने भाई। ये है मेरे प्यारे से अब्बा जी दिलबर। दिलबर? और तुम जानी? वाह 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 वाह, ये तो हो गया दिलबर जानी, वाह सही वाह। पुत्र ये कस्तूरी कौन है भाई? ये हमारे घर का मुलाजिम है बच्चू। बिच्छू? बिच्छू नहीं, बच्चू बच्चू, हरकतें वैसे बिच्छू वाली है। बच्चू बच्चू। जी अब्बा जी। अब्बा जी ओए इधर आए, आओ जाओ जाओ बच्चू आ जाओ। एक तो ये कि तुमने मुझे अब्बा जी कैसे कहा है, और दूसरी बात ये, कान खोल कर सुन लो, मुझे नौकरों का मजाक अच्छा नहीं लगता, वरना दूसरा आएगा मर। जी साहब जी। बच्चू के बच्चे अभी तक यही खड़े हो, अब्बा जी आए ठंडा पानी लेके आओ, जाओ अंदर। चल चल गुस्सा नहीं दिखा, गुस्सा नहीं दिखा, जाओ जाओ अंदर जाओ। जी 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 जी। अब अजी तेरा हाथ हौला रखना था। पापा मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ। पुत्र बहू का नाम क्या है? सीमा। सीमा 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 पुत्र इधर आ इधर। सीमा डरो नहीं, नहीं मारेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ले बेटा,
ये क्या है बाजी? पुत्र बुजुर्गों का प्यार होता है। रख लो अब्बा जी प्यार से दे रहे हैं। शुक्रिया अब्बा जी। माशाल्लाह जीती। अच्छा भाई काम करो अंदर जाओ और हमारे मुलाजिम बच्चों को कहो कि आज मजे का खाना बनाए अब्बा जी आए हैं। मजाक चलता रहता है अब्बा जी मेरा इनके साथ। बैठे ना अब्बा जी बैठे। अब्बा जी इतने दिल लगा दिए इस दफा। और बताए क्या मकसद के तहत आए हैं? कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। अरे बच्चू क्या हो गया? इतनी एक्टिंग नहीं करनी। अरे बाबा मैं समझा वो जानी के पापा सही आ गए। नहीं नहीं जानी ने लेके कहीं बाहर गया। बाहर गया पापा कहाँ? हाँ पता नहीं कहाँ गया। वैसे बच्चू इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, बाबा सही ने आज तक एक रुपया नहीं दिया और जानी के अब्बा ने पूरे 1000 रुपए दिए मुझे मुंह दिखाई में। अरे असल में वो बाबा सही की ना नजर कमजोर है, उन्होंने आंख भर के आपको देखा ही नहीं होगा। तो नजर तो जानी के अब्बा की ज्यादा कमजोर है मगर उन्होंने तो मुझे दे दिए। हाँ बाबा इसीलिए तो दिए कि ज्यादा कमजोर है। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि ये बताएं बेगम कि खाने में क्या बनाना है, आज तो खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। क्यों आपकी उस लाडली बहन को मुंह के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता? अरे नहीं बुरी बात है बाबा, वो तो मेहमान है ना, और वैसे भी उस बेचारी को नौकरानी बना दिया है, गलत बात है। वैसे मेहमान और बबाले जानवरा थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा बाबा एक काम करते हैं, वो घर में नहीं पड़ा है वो जमा हुआ खाना, वो बना लेते हैं आज। बच्चू उसे फ्रोजन फूड कहते हैं। हाँ बाबा जो भी फूड कहते हैं ना बाबा वो बना लेते हैं। वैसे आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा। हाँ बाबा ठीक है ठीक है, मैं जाके देखती हूँ क्या क्या है। ओए, ओए, तू नौकरानी है या मालकन इस घर की है? ये क्या लगते हो रे? बाबा जी मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर के मालिक है ना, उनकी बहन हूँ। मालिक की बहन? वो तेरी शक्ल की मेरी कोई बेटी तो है नहीं ना? अरे नहीं नहीं मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं इस घर के मालिक है ना, बच्चू उसकी बहन हूँ। बच्चू की बहन? अबू जी यहाँ क्या कर रहे हैं, चले अंदर आराम करते हैं ना। ये क्या कह रही है? ओहो इसकी बातों को क्यों संजीदा ले रहे हैं अबू जी? संजीदा क्यों ना लो, नौकरानी मालिक क्या क्या कह रही है? मैं आपको बता दूं, असल में इसके अब्बा बड़े अमीर दौलतमंद आदमी थे, जुए में अपनी सारी रकम हार गए। ओए होए होए होए, उस सदमे से बेचारी पागल हो गई और इस तरह की बातें कर रही है। क्या ये घर तुम्हारा अपना ही है? थोड़ी सी हाँ बिल्कुल बाबा जी साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक कह रहे। अब मेरा मतलब कटिंग कटिंग किचन में जाओ ना खाना बनाओ कटिंग कटिंग। हाँ ठीक है मैं भी लेकर आता करती हूँ। खाना तो आज मैं बनवाऊंगा। अबा जी अंदर आराम करो। अबा जी अरे बच्चू कहाँ थे तुम? अरे वो जानी के बाबा है ना उनके पैरों की मालिश कर रहा था। चलो मेरे अब्बा की ना से जानी के अब्बा की तो खिदमत की ना तुमने। हाँ बहुत की बाबा। ओ बच्चू माय काउबॉय क्या हो रहा है? ये कह रहे चिड़िया कह रहे मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ रखा गया, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मिलता ही नहीं है, उसके बगैर ठीक तरह से मुझे नजर भी नहीं आता। अब्बा जी आपने चश्मा रखा कहाँ था? अरे ये पता होता तो ढूंढना लेता मैं। चश्मा मेरे पास है, चश्मा लगाओ के कोना कोना देख के मुझसे साफ करवा रहे थे बाबा। अब्बा जी ये मिल गया आपका चश्मा, यहाँ टेबल पर रखा हुआ था। है? ये यहाँ कैसे पहुँच गया? अरे साहब जी ये शहर की हवा इंसान को उड़ा के कहीं से कहीं ले जाती है, ये तो बाबा फिर चश्मा है। मैं क्या पता था शहर की हवा का, अब लगी है आहिस्ते आहिस्ते पता चलेगा हम कब उड़ते हैं यहाँ से।
तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। चल अभी दो कमरे बाकी है, चल चल, नहीं तो फिर जी 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 साहब आप चले, साहब जी आप चले। अरे जरीना तुम यहाँ बैठी हुई हो, खैर तो है? जानी तुम्हारे बाबा साई ने सारी सब्जियां मंडी से लाके मेरे से कटवा ली है और कहते हैं ये शाम का खाना है, रात का खाना मैं सोच चुके बताऊंगा। असल में अब्बा जान जो है ना गांव के, तो थोड़ी खुराक ज्यादा है। थोड़ी इतनी खुराक तो हमारे गोठ में लोग खा जाते हैं जितने तुम्हारे बाबा साई खा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बाबा जानी जवानी में पहलवान थे। पहलवान थे के हैवान थे? बाबा जानी आ जाए कल चले जाएंगे। अरे कल वाकई चले जाएंगे? देख रहा हूँ खुशियाँ आपकी, देख रहा हूँ मैं, आपके भी बाबा जानी आते जाते रहते हैं और चूहे मारने की दवा किचन में पड़ी है, काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुई। मजाक कर रही हूँ जानी में तो? हाँ वो तो मैं जानता हूँ मजाक कर रही हैं आप, सीरियस होती तो आईसीयू में होती। क्या मतलब? कुछ नहीं, एक तो खुद सारा दिन हड्डरामों की तरह हमारे घर में बैठा रहता है, इसका बोझ उठाओ और अभी इसका बाप सारा राशन खा जाएगा। मुझे लगता है कि डाइटिंग करके गुजारा करना पड़ेगा। ए मुझा मोला। ये साहब जी आपका दूध। रुक क्यों भाई, नाचो भाई नाचो नाचो। ओए तू क्यों नाच रहे हो, रात खाना ज्यादा खा लिया था क्या? अरे नहीं साहब जी, आप ही ने तो कहा था नाचो। ओए मैं तो अंजुमन सुल्तान रही को कह रहा था, वो टेप पर गया, टेप पर गया। अच्छा अच्छा, वैसे जवानी में मैं भी मुस्तफा कुरैशी लगता था, लोग कहते थे ओ वो है सुनियो। हाँ आप लगते होंगे, बिल्कुल लगते होंगे। तुझे क्या पता भाई, तू तो सोचती थी इतना होगा, पता नहीं होगा भी नहीं। अच्छा ये अपना साहब जी, सीमा मैडम बुला रही हैं। साहब जी मैडम है? ये क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ जी, ऐसे ही मजाक था। वैसे याद है ना वो सदमा जुआ, वो इस तरह हार। ओ बाबा जुआ बड़ी बुरी चीज, बड़ी बुरी लत। हाँ बिल्कुल साहब जी, बहुत बुरी लत है बाबा। तुम्हारा अब्बा अभी भी खेलता है? छोड़ दिया उसने बाबा सही जुआ? जी 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 जी। अच्छा एक बात बताऊं, लत बड़ी बुरी है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं तो तौबा करता हूँ कभी जुआ बंदा ना खेले, इससे अच्छा खुदकुशी कर ले बंदा। अपना दूध तो पिए, कमजोर हो गए जब तू चाह रहा है। ये शेर के गिलास छोटे हैं, शेर बड़ा। दिल भी ऐसे छोटे हैं। इससे क्या बन, बड़े गिलास में लाओ यार। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ये ले बेगम, ये पकड़े। अब जी रोटी दूं? हाँ बाबा। ओए बिच्छू, ओ तेरी इतनी जरूरत मेरी बहू के साथ ही बैठ गया है? नहीं साईं नहीं, वो पाँव फिसल गया था बाबा, किसी ने कुर्सी पे गिर गया। ओए अगर मेरा हाथ फिसल गया ना तो घर के बाहर जाके गिरेगा। अब्बा जी मैंने खुद देखा है, पैर फिसल गया था। ये क्या, इसका भी पैर फिसल गया था क्या? अल्लाह ना करे। जरीना और बच्चू दोनों सामने जमीन पे जाके बैठो, जहाँ रोज बैठते हो, चलो शाबाश। अब्बा जी वो इनके ना अब्बा की बरसी है आज, तो मैंने इनसे कहा था कि हमारे साथ बैठ के खाना खा लें। बाबा सही की बरसी है? मर गया जोरी, खस कम जा पाक। चलो अगर ऐसी बात है तो बैठ जाओ, तुम दोनों बैठ जाओ। नहीं साहब जी नहीं, बाबा अब तो नौकर नीचे ही बैठ के खाना खाएंगे जहाँ खाते हैं, और पूरा दिन काम करेंगे। हाँ बाबा आजा, इधर नहीं इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा बाबा इधर। अब जी रोटी खाए ना, तवज्जो ना दे उनके ऊपर, खाए रोटी का क्या हाल कर दिया, ये चावल खाए, चावल डाल दो।
उठा बिच्छू, उठ, ये कुछ सोने का वक्त है, है? अरे अरे अभी तो साहब जी अभी सिर्फ सुबह के 5 ही तो बजे है। हाँ तो इसीलिए तो मैं आया हूँ, मैंने वजू करना है और पानी गर्म करने के लिए। चल चल उठो। अरे वो गीजर लगे है ना साहब जी। वो गीजर के साथ नहीं करना मैंने वजू, मैंने गुस्सा खाने में करना है। चल पानी गर्म कर। अरे बाबा वो पानी गर्म करने वाली मशीन को कहते हैं गीजर। ए, मेरी मशीनों वशीनों पे एतबार नहीं है। चल पानी गर्म कर, हाथ आराम कर। साहब जी सारा दिन काम कर कर के ना मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो। वो जबान चलाता है मेरे साथ। हाथ को चलाए कर, कोई काम किया कर, पता तू है हाथ कैसे चलाया जाता है? बदतमीज लोग। अब्बा जी धमाके की आवाज कहाँ से आई? अरे बाबा यहाँ से आई थी। अब्बा जी इस गरीब आदमी को क्यों मारते रहते हैं? गरीब आदमी यहाँ डरा है, ये भी और वो भी लड़की जो। अरे साहब जी हम तो मेहमान है, आज इस घर को लो इस घर। क्या मतलब मेहमान? क्या मतलब है? अब इनका मतलब ये कि दुनिया में आया ना तो मेहमान है दुनिया में। हाँ, अगर ये इसी तरह हाथ आराम रहेगा, पानी गर्म नहीं करेगा, सुबह सुबह नहीं उठेगा, तो फिर ये 2 घड़ी का ही मेहमान रह जाएगा मेरे हाथों से। मैं जाता हूँ साहब जी, पानी गर्म करके लाता हूँ। अब जी इस टाइम पे कहाँ टहल रहे हैं आप? बैठे पानी गर्म कराया था, वजू करना है। अच्छा 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 भाजी बैठे बैठे, मैं जाने बाहर ढूंढ के लाता हूँ। हाँ, बैठे। अब्बा जी एक दो दिन और रुक जाते? नहीं। क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं क्यों नहीं? अच्छा अब्बा जी एक बात तो बताइए, पीछे उधर मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं? ओ मेहमान मेहमान आने हैं, बस वो आ जाते, आखिरी काम है वो कर लूं, फिर जाने ही जाना है। इस वक्त किसको बुला लिया आपने? टैक्सी वाले को बुलाया होगा। आपके जाने का वक्त आ गया है ना? नहीं नहीं, वो दरअसल वो तुमने जग के भाग के अदालत में शादी कर ली थी ना, वो क्या कहते हैं उसको, कोर्ट मैरिज, हाँ वही वही, तो हम मेरी तो नाक कटवा दी थी ना तुमने। अब्बा जी वो तो इतनी पुरानी बातें हो गई हैं। इसीलिए मैंने कहा कुछ नई बात होनी चाहिए ना, ताकि मेरा सर भी खानदान वालों के सामने जरा शिमला उतर जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा काजी को बुलाकर इस्लामी निकाह पढ़वा दो इसके साथ। हाँ याद आया, ये बोर्डम ने उसको किधर भेजा होगा? अरे बाबा उसी का मैनेजर है वो। बच्चू बच्चू जाने क्या, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे एक लेटर का पूछना है उससे। लो भला इसको खुद मालूम नहीं हो किधर है। अगर आपको सब काम आता तो आप क्यों नहीं ऊपर चढ़ जाते? अरे बाबा एक तो मैं मालिक हूँ, दूसरा मैंने सलवार कमीज पहनी। इलेक्ट्रिशियन तो सारे सलवार कमीज में घूमते हैं। जाने ये फजूल बातें छोड़ो और ट्यूबलाइट को हिलाओ। ओहो ये तब तक वाली थोड़ी है, ये दूसरी है। मैं जरा सा काम कह देती हूँ तो तुम्हारी जान निकलने जाती है, अब देखा करंट लगा ना। अरे बाबा जरीना मजाक ना कर बाबा, इसको करंट लगा। मैडम पानी पानी। बाबा क्या हो गया है? हाँ ना पानी, खाना बनाते हुए पानी तो डलता है ना, बस खुद सोचे पानी और बिजली। मैं नहीं कर सकता। अरे 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 बाबा इसका कुछ करना पड़ेगा, इलाज है जानी का। अरे ये क्या है बाबा? अरे क्या हो गया? देखे प्लीज प्लीज आप ये दो लफ्ज ना बोले, इन दोनों को प्रॉब्लम है इन लफ्जों से। तो बा मेरे को लग रहा है कि मेरे घर में ही तुम सब लोग मेरे को मिलकर पागल करके बाढ़ में जाओ तुम लोग। नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा।